मेरा नाम है सुरेंद्र कौल, मैं कनाड हाउस के अमंग द कश्मीरीज। मेरे वालिद साहब फर्स्ट आए इधर हैदराबाद, जब बागिया में नमाज चल रही थी, तो मेरा कैरियर हो गया 65 से इधर, तब से आई एम ए रेगुलर विजिटर हियर। मैं अपना कश्मीर के स्टाल जो है इधर ला रहा हूँ। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ स्टाल होल्डर्स यूनियन कश्मीरीज। यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ था एग्जीबिशन, तो मेरे वालिद ने जब इधर, एक ही कश्मीरी था कनाड हाउस, वो फिर जो है उसने अपने अकेलापन दिखता था, एक ज्वेलरी वाले को अपनी दुकान में जगह दे दी, और उसके बाद जो है सब ये देखते देखते गए, आज इस वक्त 500 स्टॉल्स कश्मीर के हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें ज्वेलरी है, इसमें लेदर है, एम्ब्रॉयडर शॉल साड़ीज वाले हैं, सारे कश्मीर को। हम यहाँ पर क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं यहाँ पर, हमारा वहाँ पर जो है आर्टिज़न हैंडलूम का है सारा आर्टिस्ट का, उनको रोज़गार देने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर करते हैं और यहाँ का पब्लिक को हम जो है उसी रेट पर यहाँ पर बेचते हैं, ताकि हमारा जो वहाँ पर वर्कर है उनको रोज़गार मिले, तो इससे वाबस्ता है। और यहाँ पर जो है हमारा सारा स्टाफ जो है वो सारा, हमारा एक कारपेंटर है वो हैदराबाद का है, उसको 65 से ही हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। वो 500 स्टॉल का जो है लकड़ी लाता है, लेता है, हम उसको एवरी मंथ जो है, एवरी ईयर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चलाता है, उसका परिवार भी इसी पर चलता है, तो एक फैमिली है। या ऐसे हमारा किराना वाला इधर, जिससे हम लेते हैं सामान वामान, वो भी वेट करता है कब कश्मीर आएंगे। अब इस साल से क्या हो गया, जब लास्ट ईयर से आग लग गया, तो हमको यहाँ पर ये पकाने नहीं देते, तो हमने यहाँ पर जो अब फ्लैट्स ले लिए, कमरे ले लिए किराए पर, उससे भी लोकल पब्लिक को जो है रोज़गार मिल गया, वो अपने मकान खाली करके हमको दूसरी जगह जाते, ये 2 महीना ऐसा ही करते हैं। इसलिए वहाँ पर भी जो हमारा स्टाफ बैठता है और हम जो है अपना हाथ से ही खाना वाना बनाते हैं। हमारा और हैदराबाद का एक ही खाने का राइस, वी आर राइस ईटर्स, जो यहाँ पर भी पब्लिक राइस ही खाता है, हम भी खाता है। बाकी यहाँ पर जो हमारे कस्टमर जो है, इनको हम प्योर कश्मीर का आइटम देते हैं, जैसे सूट्स है, साड़ीज है, ड्रेस मटेरियल है। ये साल भर वेट कर रहे हैं कब नुमाइश आएंगे, तो हमारे कश्मीरी भाई आएंगे और यहाँ से हमारा माल देते हैं। अब यहाँ के लोग जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में है, सऊदी में है, दुबई में है, अमेरिका में है, वहाँ पर भी इनका हमको ऑर्डर आता है, कोई 20 सूट लेता है, कोई 10 शॉल लेता है, तो हम वो वेट करें, बिजनेस हमारा अच्छा रहता है। रिगार्डिंग सोसाइटी, सोसाइटी जो है ये हमारा परिवार है, ये हमको ऐसा देखता है जैसे हम ये अपने बच्चों को देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। वी फील सेफ इन हैदराबाद, दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कश्मीरी क्यों इधर आते हैं? बिकॉज वी फील दैट वी आर एट होम, तो इसलिए हमको सोसाइटी का भी सपोर्ट रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इनके पास जाते हैं और ये भी हमको गाइड करते हैं किस तरीके से क्या क्या चलना है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज बनाई है, ये है शॉल कैटेगरी, हम उधर है ड्राई फ्रूट कैटेगरी, मगर हमारे में जो है आपस में इत्तेफाक है कश्मीरियों में। ये नहीं हम जाएगा कि अभी सोसाइटी बोलेगा हम प्राइम दे दो, कोई कश्मीरी उसमें जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा मार्जिन इसमें नहीं है, हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते। हम उतना ही देते हैं ताकि कर्जा ना चले, हम उतना ही काम करते हैं जितना हमारे से हो सकता है। और हमको जो है ये कनाड हाउस को गोल्ड मेडल मिला है और एशियन अवार्ड विनर हम है। हमने यहाँ पर 12 महीने के लिए एलबी स्टेडियम में कनाड हाउस का एक ब्रांच भी खोला है, ताकि आपको ये नमाइश के बाद उधर बाकी आपको यूनिट साहब सारा दिखा देंगे, जा बढ़िए।